के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अभी देखो हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है और ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पे सल्फर एटम है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो आपको पता होगा कि क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, और ये ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंग टू SN2 OH नेगेटिव यहाँ अटैक करना चाहिए और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें डेल्टा पॉजिटिव इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन फर्स्ट वाला जो है, सो ये फास्ट रिएक्ट करना चाहिए था, ठीक है, और सेकेंड वाला होना चाहिए था स्लो। और आपको पता है SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, कि मान लो अगर लीविंग ग्रुप इस तरफ है तो न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक करता है, तो मान लें ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पीछे की साइड से अटैक करता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड से अटैक करता है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है, जो नया मॉलिक्यूल आके जुड़ा वो उल्टी साइड में जुड़ता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे इन्वर्जन, ठीक है, होना चाहिए था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, और ये वाला फास्ट और ये स्लो होना चाहिए था, ये है हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है इन दोनों के केस में, दिस सेकेंड वन जो है सो, सेकेंड वन जो है सो रिएक्शन फास्टर होता है एंड कंप्लीट रिटेंशन होता है। जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या है, कंप्लीट रिटेंशन है, मतलब जो लिविंग ग्रुप जहां से हट रहा है, इस तरफ से अगर हटा है, तो नया न्यूक्लियोफाइल भी यहीं पे आके जुड़ेगा, इसी पोजीशंस पे जुड़ेगा, सेम पोजीशंस पे, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ एनजीपी की वजह से, है ना, नेबरिंग ग्रुप, कि ये जो ऑक्सीजन है ये पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में। ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर होता है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब देखो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये OH है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, तो कौन जीत जाता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, तो इसका रिएक्शन जो होगा वो फास्टर होगा। यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे जब ये वाला मॉलिक्यूल है ना लोन पे है, जो है सो इस ऑक्सीजन एटम का लोन पे है, एज ए न्यूक्लियोफाइल पे एक्ट कर रहा है, तो सल्फर वाला भी यहां पे एक्ट कर रहा है। अब आपको पता है कि सल्फर जो है सो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए सल्फर यहां पे जाकर के अटैक करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अब सल्फर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन सेकेंड फास्टर, सिंस इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, है ना, फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट देखो आपका बनेगा ऐसा, ये क्लोरीन यहां से लिविंग ग्रुप निकल गया और इसके बीच ये बॉन्ड बन गया। सेकेंड केस में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये थ्री मेंबर की रिंग बनी है, आपको पता है जो थ्री मेंबर की रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, क्यों, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहना चाहेगा 109 degree 28 minute, जो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे है ना 60 डिग्री बनेगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, तो एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, तो ये चाहेगा कि एंगल स्ट्रेन रिमूव कर दे। तो अब ये जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है
वो इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब एक बार अगेन SN2 अटैक हो, तो देखो एक बार SN2 अटैक हुआ ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना, दूसरी बार ये SN2 अटैक करेगा तो आपका सेकेंड स्टेप जो होगा उसका प्रोडक्ट ये यहां पे OH लग गया। सेकेंड केस में ये सल्फर था यहां पे, ये कार्बन कार्बन, ये OH लग गया। अब चूंकि इस सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, रिंग रिमूव हो रही है ठीक है, जो थ्री मेंबर रिंग है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है वो रिमूव हो रहा है, इसलिए इसका जो सेकेंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा, सेकेंड स्टेप होगा फास्ट एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप, ये जो स्टेप हुआ था ये स्लो हुआ था। तो जो एनजीपी हो रहा है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वो स्लो हो रहा है, अगर एनजीपी स्लो होता है तो एनजीपी स्लो है मतलब आरडीएस है, अगर कोई भी रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा हो या तीन स्टेप में हो रहा है जो उसमें सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस, तो हम उसको एक वर्ड यूज करते हैं एंजाइमेटिक असिस्टेंस ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हुआ स्लो हुआ, सेकेंड रिंग रिमूव करने का प्रोसेस फास्ट हुआ, तो इसमें ये हमारा है फर्स्ट वाला एनजीपी, सेकेंड प्रोसेस फास्ट हुआ। अब देखो क्या हुआ, एक बार यहां पे इसमें इन्वर्जन हुआ, एक बार SN2 हुआ, एक बार इन्वर्जन हुआ, दूसरी बार फिर SN2 हुआ, अगेन इन्वर्जन हुआ, तो मान लो पहले न्यूक्लियोफाइल हमारा लिविंग ग्रुप इधर था, एक बार इन्वर्जन हुआ तो इधर आ गया, दूसरी बार फिर से इन्वर्जन हुआ तो इधर ही आ गया, तो क्या हो गया रिटेंशन हो गया, तो टू टाइम इन्वर्जन हुआ, इसलिए टू टाइम इन्वर्जन के बाद आपका जो कंफिगरेशन है वो कंप्लीट रिटेंशन हुआ ड्यू टू टू टाइम्स SN2 टू टाइम्स इन्वर्जन, टू टाइम्स इन्वर्जन मीन्स कंप्लीट रिटेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जब भी आपको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर गिवन हो तो देखना होगा कि कहीं एनजीपी तो नहीं हो रहा है। थैंक यू।